नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। मंगलवार की रात करीब 9 बजे के आसपास जनपद ललितपुर के ग्राम जमालपुर के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ललितपुर निवासी दो लोग मोटरसाइकिल द्वारा किसी काम से झांसी की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे ग्राम जमालपुर के पास पहुंचे तो उन्होंने झांसी की ओर से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। समाचार प्रसारित होने तक बाइक सवार व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन इस घटना में सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि जोरदार भिड़ंत के बाद स्विफ्ट डिजायर में सवार लोग मौके से भाग गए थे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। तेली फाटक पुलिस चौकी इंचार्ज का फोन आया, जैसे ही तत्काल हम लोग गए वहाँ पे, मौका स्थल पे देखा तो वहाँ पे जाने के बाद में फोर व्हीलर झांसी तरफ से आ रही थी और जे रॉन्ग साइड जा रहे थे दोनों जन, तो आमने सामने टक्कर हुई, दोनों स्पॉट ही पे ख़त्म हो गए हैं। बाकी हॉस्पिटल लेके आए हैं आपके सामने। एक्सीडेंट पे है सर, क्या है पूरा मामला? अभी हाईवे एम्बुलेंस द्वारा दो एक्सीडेंटल लाए गए हैं, जिनमें दोनों ही एक्सपायर हैं। उनका नाम पता करके बॉडी रखवाई जा रही मर्चरी में, बाकी पुलिस मेमो जाएगा फिर पता चलेगा, कल पीएम होगा इसको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।